दोस्तों काइसेरा टैक्स अल्फा 1800 प्रिंटर में पेपर कैसे सिलेक्शन करता है इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमने कर लिया है काइसेरा टैक्स अल्फा 1800 प्रिंटर को ऑन। यहाँ पे लोगो भी आ गया है दोस्तों, और लोगो आने के बाद आप लोगों को पेपर सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। पेपर सिलेक्शन बटन यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को लेफ्ट साइड में, आप लोग देख लीजिए लेफ्ट साइड में पेपर सिलेक्शन मोड यहाँ पे रहेगा। तो पेपर सिलेक्शन मोड रहने के बाद आप लोगों को हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने लीगल पेज रख दिया है, यानी कि हम लीगल पेज अभी जेरक्स करेंगे, प्रिंट करेंगे, जो भी बोलो। तो यहाँ पे हमने लीगल पेज अच्छी तरह से लगा दिया है दोस्तों। लगाने के बाद अभी हम जो पेपर सिलेक्शन है वो पेपर सिलेक्शन करेंगे। पेपर सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे पेपर सिलेक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को नीचे में स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमपी ट्रे सेटिंग आप लोगों को दिखाई देगा, एमपी ट्रे सेटिंग में आप लोगों को स्टैंडर्ड साइज में क्लिक करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड साइज में क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर में स्क्रॉल अप कर दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को लीगल साइज आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से दिखाई देगा आप लोगों को लीगल साइज़। तो यहाँ पे लीगल साइज़ दिखाई दिया दोस्तों, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद प्लेन आएगा, प्लेन के बाद हम फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख लीजिए पेपर सिलेक्शन का लाइट जल गया, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ गया है दोस्तों, हम जेरॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमको कलर थोड़ा अच्छा सा है, इसलिए हमने डेंसिटी थोड़ा बढ़ा दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे हमने +2 में डेंसिटी बढ़ा दिया। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे डेंसिटी का भी ग्रीन सिग्नल आ गया है दोस्तों, ग्रीन लाइट जल गया है। अभी हम एक पेज लेंगे जो हमारा लीगल साइज का पेज हो या कोई भी साइज का पेज हो, हम लीगल साइज में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेज रख दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से पेज रख देना है। तो यहाँ पे पेज रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट का बटन आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। ये बटन प्रेस करने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो लीगल साइज का पेपर है वो पेपर यहाँ पे अंदर ले लिया और ये प्रिंटर हमको निकाल के दे दिया है दोस्तों। इसी को ही जेरोक्स बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर निकल करके आ गया है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी लीगल साइज हो, A4 साइज हो, कोई भी पेपर हो, आप लोग सिलेक्ट करके प्रिंटआउट निकाल सकते हो दोस्तों। तो हम फिर से आप लोगों को और एक बार दिखा देते हैं। A4 साइज लेंगे, अभी इस बार हम A4 साइज लेते हैं। A4 साइज का भी सेम ही है प्रोसेस, आप लोग पहले जैसे लीगल साइज का प्रिंटआउट निकले थे तो ऐसे ही आप लोगों को A4 साइज का भी प्रिंटआउट निकलना है। यहाँ पर ऑन कर दिया है हमने प्रिंटर। प्रिंटर ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पेपर सिलेक्शन मोड है, पेपर सिलेक्शन बटन हम लोग प्रेस कर देंगे दोस्तों। पेपर सिलेक्शन बटन प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एमपी ट्रे सेटिंग में जाना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ऑटो आया है, प्लेन आया है, यहाँ पे एमपी ट्रे सेटिंग में आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आप लोग देख लीजिए, हमारा जो A4 पेपर है ये पोर्ट्रेट मोड में है, हमको चाहिए लैंडस्केप मोड में। तो लैंडस्केप मोड में यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, ऊपर में हमको लैंडस्केप मोड में, क्योंकि हम जो पेपर यहाँ पर डालते हैं वो पेपर है लैंडस्केप मोड में देते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को लैंडस्केप मोड ही सिलेक्ट करना पड़ता है। जो लैंडस्केप का लोगो होता है उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लैंडस्केप मोड में हमने A4 साइज पेपर दे दिया है। A4 साइज पेपर देने के बाद सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हम एक कोई भी लेटर वगैरह हो यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने दे दिया है, अभी इसको हम क्या करेंगे, जेरॉक्स करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने दे दिया है पेपर, और पेपर देने के बाद ऊपर का जो ढक्कन है वो कर देते हैं बंद, और यहाँ पे हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे A4 साइज़ का जो पेपर है वो पेपर अंदर ले लिया है और ये जेरॉक्स होके निकल करके आया है दोस्तों। तो दोस्तों A4 हो, लीगल हो, पेज प्रिंट आउट करने के लिए यही है तरीका। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।